हेलो। आज एक क्लास 8-10 का एक मैथ आया है, टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो यहाँ पे एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसका दो डायगोनल है, ये BD डायगोनल और ये एसी डायगोनल, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट में, ठीक है। तो ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, बोलता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओ इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू। तो ओ से एक लाइन पास करेगा, कैसा भी लाइन हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। चलिए हम टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। कैसा भी लाइन पास किया ओ पॉइंट से, वो ए बी को कट किया पी में और सी डी को कट किया क्यू में। बहुत बढ़िया। अपने को प्रूफ करना है ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी मैथ है। इसको अगर हम इस ट्रायंगल को, है ना, और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ क्यू के लिए एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ क्यू होने वाला है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, है ना। देखिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ वर्टिकली अपोजिट होगा। अच्छा, और देखिए ये पैरेललोग्राम है ना, यानी कि ये और ये पैरेलल है। अगर ये दो साइड पैरेलल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी बी ओ इक्वल्स टू एंगल क्यू डी ओ रीजन अल्टरनेट एंगल। चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। अच्छा, और अपने को एक साइड चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो रीजन हम वही लिख देते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ क्यू बाई कौन सा लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ? एंगल, फिर अपना ये साइड, फिर एंगल, राइट। तो एंगल साइड एंगल ये लॉ। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम आराम से बोल सकते हैं पी ओ इक्वल्स टू ओ क्यू या फिर ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। क्वेश्चन में ओपी है तो ओपी लिख देते हैं, ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू बाई सी पी सी टी सी, ठीक है, बाई सी पी सी टी सी, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी मैथ था। थैंक यू।